बहुत लोगों ने इक्वलिटी की बात किया, दरा 370 जाएगा तो जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सदन में मैं उनको पूछना चाहता हूं जो ऐसा वक्तव्य देते हैं। आपने जब भारत सरकार से फंड लेते समय जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आप फंड लेके जाते हो, जब लद्दाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लद्दाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो, क्या ये आपका इक्वालिटी है? क्या ये है आपका इक्वालिटी? जम्मू कश्मीर में दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। मैं पर्टिकुलरली मेंशन करके मैं आपको कह रहा हूं, दोनों वहां पे सिविल सेक्रेटरीट है। आप डेटा खोल के देखिए, उस सिविल सेक्रेटरीट में लद्दाख के कितना मुलाजिम है, क्या यह है आपका इक्वालिटी? अगर आप 1000 इंप्लॉयज क्रिएट करते हो, जॉब क्रिएट करते हो, जम्मू वाले तो खैर लाठ झगड़ के कुछ ले लेते हैं, लेकिन लद्दाख वालों को 10 नौकरियां भी आप नहीं देते, क्या यह है आपका इक्वालिटी? हसनैन मसूदी जी यूनिवर्सिटीज के बात कर रहे थे, मैं उनके साथ कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू वालों ने लाठ झगड़ के दिया, लाया दिया नहीं, लाठ झगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? यह है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, मोदी है तो मुमकिन है सही में।